जय श्री राम दोस्तों, सीता की निंदा करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे, उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुभ पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, उन्हें पकड़ कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का सुंदर जोड़ा है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय ना करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी, वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि शिष्य संघ के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहां हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें यह सब कुछ बता दिया, अब हमें जाना चाहिए, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई थी कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नसिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ, जिसके 100 मुख हैं, वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। वे जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षी की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो
वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है, जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोता के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस शुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार आप मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आपको स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता जी का पति से विक्षोभ कराने में कारण हुआ और वे वन में गई। जय श्री राम। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।